भिंडी धो के रख दी है मैंने, बीन्स धो के रख दिया है। अभी अब उसका कटिंग करेंगे पोंछ के। और ये देखिए मेथी, पालक और कोरियन सबको धो के रख दिया है। और बाहर अच्छा सनी वेदर है और ये सूर्य देवता निकल चुके हैं। बाहर स्टिल स्नो तो इतना भरा पड़ा है। वॉकवे क्लीन है, अच्छी बात है। भिंडी की सब्जी में थोड़ी राई ऐड करती हूँ, थोड़ा जीरा ऐड करती हूँ, थोड़ी हींग ऐड करती हूँ। लहसुन हो गई हमारे भिंडी की सब्जी तैयार। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, फिर सारे मसाले बाद में करूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मैं लास्ट में ऐड करूंगी, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। और इसको मैं ओपनली ही ऐसे पकाऊंगी। अभी 9:34 हुए हैं, 8:34, 9 o'clock सब्जी हो जाएगी। आधा घंटा लगता है क्योंकि ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अब बीन्स कट कर लेती हूँ मैं। भिंडी के ऐसे ही कट करके इसको हम डायरेक्ट गार्बेज में फेंक सकते हैं, या तो यहाँ कुछ कचरा बचरा गिरेगा नहीं। अच्छे से डाइनिंग टेबल या कुछ भी सरफेस हो क्लीन रहती है। तो ये दोनों साइड से कट कर दूंगी, दो और 2 पीस में कर दूंगी, ज़्यादा छोटे नहीं करने वाली। बीन्स भी कट के रेडी हो गए। अब इसको हम थ्रो कर देते हैं। भिंडी की सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है। 34 तो क्या था, अभी 46 हुआ है। अभी मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। देखिए थोड़ा भी चिपचिपा नहीं है, एकदम छुट्टी छुट्टी है। मसाले कर देते हैं जल्दी जल्दी। हल्दी, मिर्च पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, इसमें कुछ शुगर भी तो कुछ नहीं आएगा। बीन्स की सब्जी तो नहीं लेकिन कच्ची पक्की ऐसे ही थोड़ी स्वाद लगे इसलिए मैं कर रही हूँ। तो इसमें पैन में मैंने थोड़ा एवोकाडो ऑयल ले लिया है। ये तो सब्जी तो हो गई भिंडी की। अभी हम बीन्स को भी पका लेते हैं थोड़ा। नाइन ओ क्लॉक तक हो जाना चाहिए सारा काम। ये भागना है काम पे और आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से भी मिलना है। लहसुन अच्छे से हो गया। अब इसको मैं चार पाँच मिनट के लिए पक जाए, उसके बाद थोड़ा नमक और थोड़े हर्ब्स ऐड कर लूँगी मैं। पे जाने से पहले मिक्सचर करना है। सारे नॉब ठीक से बंद है गैस के, क्योंकि ये गैस सिलेंडर गैस स्टोव है। कोई घर पे नहीं होता तो फिर डेंजर सिचुएशन हो जाती है, तो इसलिए सब कुछ चेक कर लिया और 2 मिनट में नहा के पैक करके निकलते हैं। चलिए ये सब कुछ देखिए, तो सामने होता
जाए हम। ठंडा ठंडा है, कहीं पे भी पार्किंग नहीं है यार। पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो मैंने गाड़ी वहाँ प्लाजा में पार्क कर दी है और 15-20 मिनट का यहाँ से वॉकिंग है। देखो ये सारे लोग जाएंगे वापस आएंगे। और दौड़ना पड़ेगा। कैनेडा भाई, कैनेडा है तो मेरा यहाँ भी नहीं, एकदम पीछे है मेरा अपॉइंटमेंट वाला एरिया। बागी बागी से जीत लगी। ये देखिए सूर्य देवता के दर्शन करा दूँ। ये कोविड टेस्ट का है, यहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है। पार्किंग प्लॉट है, यहाँ भी गाड़ी रखने की जगह नहीं है। देखिए सारे पैक है। और मैं चल के यहाँ पीछे वाले मेरे अपॉइंटमेंट वाले एरिया में आई हूँ। कितना दूर है तो पहुँच गए हैं। ये देखो बर्ड को खाने के लिए रखा है यहाँ। स्पैरो की आवाज आ रही है। मैं अपने चेकिंग के लिए पहुँच गई हूँ और 10 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ कहीं पे भी। मुझे अपॉइंटमेंट से जल्दी ही जाने की आदत है। तो ये उन्होंने दी है एक बैग, ये दिया है और ये मुझे रिस्ट पे लगा दिया है। मेरी गाड़ी क्यों ऐसे हो गई है? मुझे हॉस्पिटल में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक कपड़े पहन लिए जैसे बीमार हो गए। देखिए क्या क्या बायोप्सी के लिए आई हूँ। तो पूरा रूम में सेटिंग ऐसा है मेरा। और अभी मुझे लोकल एनेस्थेसिया देके बायोप्सी करेंगे। सारा यहाँ अरेंजमेंट कर दिया है। मेरी अपॉइंटमेंट फिनिश हो गई और अभी मैं क्या सोच रही हूँ, घर जाऊँ या काम पे जाऊँ? देखते हैं। घर जाके भी मैंने मेरी गाड़ी प्लाजा में पार्क की है। धीरे धीरे जा रहे हैं। डार्क भी देखे डार्क। बड़े बड़े ढेर है स्नो के। और मैं आ गई हूँ प्लाजा में। मेरी पार्किंग का मेरा लंच है भिंडी की सब्जी, ये दही और नान
साथ में कल का लाया हुआ इलायची का हलवा देखते हैं। अच्छे पैकिंग किया है जिपलॉक में और ये, तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। पैकिंग तो बहुत अच्छा है। साथ में थोड़ा एक कॉर्न चिवड़ा। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ खाना खाने। यहाँ से हमारा एक नया पत्ता निकल रहा है, स्टक हो गया है, उसको निकालना पड़ेगा। यस बेबी।